जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो फिर से एक बयानबाज जो हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री है प्रदेश के, उनका है। आप पहले बयान सुनिए, भागना नहीं है। आप बयान सुनेंगे तो गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि आप बेरोजगार है और रोजगार की चाहत में खासकर नौकरी चाहिए। लेकिन ये प्यार बांटने वाले मंत्री का फिर से उल्टा बयान मजबूरन देना पड़ा। क्या है सुनिए पहले। देख के भागना नहीं है, गुस्सा आएगा। अब गुस्सा करना भी है, जब गुस्सा आवे तो कंट्रोल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। यू हैव टू फोकस, अच्छे से अपने जीवन में कुछ करने के लिए फोकस होना है। जैसे देखिए क्या बयान दिए माननीय शिक्षा मंत्री, जो आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए इनका चमकता हुआ चेहरा, उसके बाद आते हैं। चेहरा से ज़्यादा क्या चमक रहा है आप खुद समझ गए। क्या इन्होंने बयान दिया देखिए, आज के पटना खबर में, शिक्षक नियुक्ति में रोकेंगे मनमानी, चंद्रशेखर बाबू ने ऐसा कहा है। मनमानी कहने का सेंस, ये बात तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता है जो शिक्षक अभी नहीं बने हैं, मुझे इस चीज़ का पता है। मैं बता दूं कि छठे चरण में भी ऐसा हुआ है। नियोजन इकाई जो होता है, नियोजन इकाई बहुत मनमानी करता है, घोटाला करता है, पैसों की बात करता है। आए दिन आप देखे होंगे पूर्व जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थी यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की, हमारे दरभंगा की थी विभा कुमारी, जो एक साल यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी गई DEO, अभी भी उनके घर पे छापा पड़ा पटना में भी, बहुत पैसा कमाई। चूँकि शिक्षा विभाग में बहुत धांधली चलता है और खासकर नियोजन इकाई का, तो उस चीज़ को, उसकी मनमानी को ये हटाना चाहते हैं, ये सभी अपने अंदर में रखना चाहते हैं शिक्षा विभाग के अंदर में। लेकिन नियोजन इकाई का मनमानी नहीं चलेगा, यानी पारदर्शिता करना चाहते हैं। यानी जो भी कुछ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी होगा, कुछ इनका अलग नियम ये करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री जी का ये अच्छी पहल है। इन्होंने कहा भी है, देख लीजिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा था, पारदर्शितापूर्ण नियोजन में सबसे बड़ी बाधा नियोजन इकाइयों का है। ठीक है, जिसमें आप लोग को भी धांधली देखना पड़ता, अगर भविष्य में नहीं हो तो ये अच्छी बात है, इसके लिए हम खुश हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। उसी कड़ी में इन्होंने आगे इनके मुँह से निकला है बयान, देखिए उन्होंने जोर देकर कहा, सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। यानी ये जल्दीबाजी में कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि ये बहाल ही नहीं करना चाहते हैं, इसको चुनावी मुद्दा बना के इसको अभी नहीं, एक दो साल बाद करने के प्रोग्राम में है। इन नेताओं का माइंडसेट समझिए, चूंकि ये भी किसी के अंदर में खटते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भावी शिक्षक हैं और बेरोजगार हैं राइट नाउ, इन नेतागिरी के चक्कर में नहीं फंसी है, आप अपने हक की लड़ाई लगी है। हम फिर बोल रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं, बहाली तो आना तय है, या आज आवे, कल आवे, या कल आ जाए, या दो साल बाद आवे, या दस साल बाद आवे, लेकिन ये लोग चुनावी मुद्दा बना के चलते हैं। और आप तमाम अभ्यर्थी को, 38 जिला के अभ्यर्थी को, चूंकि ये बिहार के नेता हैं तो आप सभी को ये बेवकूफ़ समझते हैं, रियलिटी बोल रहे हैं। चूँकि हम भी इस बेवकूफ़ में फंसे हुए हैं, हमें भी बहुत लेट से बहाली हुई थी, तो आप नहीं फंसी, आपको हम बार बार बोलते हैं, तो करना क्या है। तो सरकार के पीछे पीछे, यानी उसको आवाज़ देना है आंदोलन के माध्यम से। अब कहिएगा सर आप क्या बोल रहे आंदोलन, चूंकि हम लोगों ने भी आंदोलन किया तब बहाली हुई। अब बात बाकी, आप समझदार हैं, आप नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, या आप समझिए। लेकिन इनके बयान से लगता है सातवें चरण बहाली अभी फिलहाल ये देने के प्रोग्राम में नहीं है। और नीतीश जी कल बोलते हैं बहुत जल्द देने वाले हैं, मधुबनी के कार्यक्रम में जब उनका विरोध हुआ, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण जो सातवें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, तो वहां पे नीतीश जी ने हाथ हिलाकर कहा बहाली बहुत जल्द देंगे। लेकिन कब जल्द आएगा ये पता ही नहीं चलता है, लगता है नीतीश जी ही खसक जाएंगे आने वाले समय में। तो आप तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे इस पर ध्यान दीजिए, ये जुमलों की सरकार है या किसी की भी सरकार हो, हमें बस बहाली चाहिए। आप बेरोजगार को रोजगार चाहिए, वो भी नौकरी, सरकारी नौकरी। यह सरकार किनकी क्या थी, किनकी बनेगी, उससे मतलब नहीं रखना आप लोग को, आपको बस नौकरी चाहिए। तो इनका बयान से साफ सिद्ध है कि सातवें चरण के शिक्षक में बहाली में थोड़ी लेट होगा, या इसकी मनमानी कहिए या जो कहिए, ये आज का ताज़ा खबर था, पटना के हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ, जो आपको बताना, और आपको इसलिए बताना चूँकि आप समझे, आपको अपने आप पर फीलिंग आवे। लेकिन टूटना नहीं है आपको, टूटना नहीं है, इसका एक ही उपाय, संघर्ष। आपको रिजल्ट एक दिन देखने को मिलेगा। तो यही था ये न्यूज़, आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप इससे थोड़ा दिल पे आपको भी लगे, चोट पहुँचे, जिससे कि आप आने वाली जो सरकार बनेगी, गठबंधन में कुछ भी बनेगा, तो आप अपनी समझदारी आप जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।